देखिए बात तो बड़ी स्पष्ट है कि आरएसएस कहती है कि वो एक राष्ट्रवादी संगठन है और देश के लिए काम करती है। तो अगर राष्ट्रवादी संगठन है तो क्या वो ऐसे पार्टी का सपोर्ट और समर्थन करेगी जो देश के साथ धोखा कर रही है, प्रजातांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना तोड़ना ये गद्दारी नहीं है तो क्या है देश के साथ? और अगर ये गद्दारी है तो आरएसएस स्पष्ट करे कि वो भाजपा का समर्थन करती है नहीं करती है। जो नियम 75 साल वाला बाकी लीडर पे लगता है, आडवाणी जी ने पार्टी बनाई, पार्टी को पौधे से लेकर बीज से लेकर इतना बड़ा किया, उस आडवाणी जी को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, एक नियम बनाया कि 75 साल से अगर कोई ज्यादा उम्र होगा उसको राजनीतिक बड़े पद में नहीं रहेंगे, तो ये मोदी जी पे लागू क्यों नहीं होता? तो अगर आपकी संस्था ईमानदार है, आरएसएस प्रमुख से पूछ रहे हैं, अगर आपकी संस्था ईमानदार है, अगर आपके सिद्धांत ईमानदार है, तो क्या ये प्रश्न एक व्यक्ति पे नहीं लगेगा, क्या बाकियों पे लगेगा? फिर तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है उनके लिए, और उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, और अगर है तो इन प्रश्नों का उत्तर दे। निश्चित रूप से हम सबने ऑफर किया था, मेरा भी एक छोटा सा फ्लैट है, मैंने भी ऑफर किया हुआ था, सबने ऑफर किया हुआ है, जिसको भी पता चलता है ऑफर कर रहे हैं। सीएम साहब के पास यहाँ दिल्ली में घर नहीं है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी व्यवस्था हो जाएगा।